आप देख रहे हैं ग्रामीण टीवी समाचार। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें। जनपद संबल में थाना नगासा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम देपा में भारतीय किसान यूनियन भानु की मंडल स्तरीय जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में किसानों ने भाग लिया। पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलंदशहर से चलकर पहुंचे अशोक कुमार शर्मा मंडल प्रभारी रहे। किसानों द्वारा संबल के आगमन पर सभी पदाधिकारियों का बहुत ही गर्मजोशी के साथ फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। देखिए जिला विरोधी मुकेश कुमार की विशेष रिपोर्ट। आज जो देपा में आपकी एक सभा का आयोजन किया जा रहा है, तो क्या संबंध में किया जा रहा है, किस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं आप? किसानों की काफ़ी समस्या है। मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है, मैं मेरठ मंडल प्रभारी हूँ भारतीय किसान भानु बुलंदशहर से। आज यहाँ पर हमारे ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जो हमारे भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको यहाँ आना था। उनकी तबीयत खराब होने के कारण तो उन्होंने मुझे यहाँ पे सभा को संबोधित करने के लिए भेजा है। और आप देख रहे हैं जो किसानों की परेशानियाँ हैं कि ट्यूबवेलों पर जो मीटर लगाए जा रहे हैं, वो चीज़ गवर्नमेंट ना करे, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं। और मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा था कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, अगर उनके साथ कहीं ऑन ड्यूटी कोई ट्रेजरी हो जाती है, उनके परिवार के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं। अच्छा, किसानों के किस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं सर आप? किसानों का एक तो किसान आयोग का गठन हो, सरकार अगर गठन कर देगी तो समझ लो कि सारे किसानों के मामला बेहतरीन हो जाएगा। क्यों, आज की डेट में किसान अपनी चीज का खुद मूल्य नहीं लगा पाता है, तो इसलिए अगर किसान आयोग का गठन हो जाएगा और उसमें राजनेता नहीं होंगे, उसमें किसान ही होंगे, उनको पता है कि भाई आलू की लागत कितनी आती है, गन्ने की लागत कितनी आती है, या कोई दाल है उसकी लागत कितनी आती है। मेरे उद्देश्य, मैं हाजी फैसल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु से, मेन उद्देश्य जो है, जो अगर रोजमर्रा का उद्देश्य है, मैं बिजली पानी और ये हमारे मंडल प्रभारी जी ने कहा कि गठन होना चाहिए उसके हक में, और किसानों की समस्याएं जो नहीं सुनी जाती हैं उसके हक में हमने आज ये यहाँ पे सभा रखी देपे में, और किसानों का हमने काम भी किया। भारतीय किसान यूनियन भानु ने किसानों का, जो किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं भानु जी से, हमने उन लोगों का काम भी किया और करते रहेंगे। और सरकार ऐसा नहीं है नहीं सुन रही है, सरकार हमारी सुन रही है और हमारे हक में काम भी कर रही है किसानों के हक में। जैसे पानी फ्री, 5 साल के लिए पानी फ्री किया, बिजली बिल जो कनेक्शन काटने की बात की वो ख़त्म कर दी, रोक दी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। तो ये जो आपकी जो मीटिंग का आयोजन किया गया है, जो आपकी है कि यहाँ पर सभा की जा रही है, तो इसमें ये जनपद लेवल की है या मंडल लेवल की, किस तरह की? ये मंडल लेवल की है, मंडल लेवल की है, मंडल प्रभारी हमारे। कितने मंडलों से यहाँ पहुँचे हैं लोग आपके यहाँ? हमारे यहाँ मेरठ मंडल से, मुरादाबाद मंडल से, और अलीगढ़ से, और हमारे जिलाध्यक्ष रामपुर से भी यहाँ आए हुए हैं। तो ये चारों तरफ के ही लोग यहाँ पे, हमारे जो पदाधिकारी हैं वो किसानों की सुनने के लिए आए हैं, और किसानों की जो बात नहीं सुनी जा रही है उसको आगे पहुंचाने के लिए आए हैं। ऐसी कौन सी समस्या जो किसानों की सरकार द्वारा नहीं सुनी जा रही? ऐसी कोई समस्या अभी तक तो हमारे सामने आई नहीं है जो कि किसान भाई की नहीं हो रही है, और जो नहीं होगी उसको हम लेके जाएंगे।